बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है और ऐसे मौसम में तीखा और चटपटा खाने का सभी का मन करता है। इसके लिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड पकौड़े की रेसिपी। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू का मसाला बनाएंगे। इसके लिए पैन में एक बड़ा चम्मच ऑयल डालकर गरम कर लेंगे। इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच राई, 1/4 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच साबुत धनिया जिसे मैंने क्रश कर लिया है, 1 छोटा टुकड़ा बारीक कटी हुई अदरक और 1 चम्मच हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट। इन सभी को तेल में चलाते हुए भून लेंगे। भूनते समय हमें गैस का फ्लेम लो रखना है। इसमें थोड़े मसाले डालेंगे। मसालों में मैंने डाला है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच चाट मसाला। इससे मसाले में अच्छा फ्लेवर आएगा। और डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला। सभी मसालों को ऑयल में चलाते हुए 10 सेकंड पका लेंगे। मसाले पक गए हैं। इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए आलू। इन्हें मैश करते हुए मसालों में अच्छे से मिला लेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। ब्रेड पकौड़े की खासियत है इसका आलू का मसाला, इसलिए इसे जितना स्वादिष्ट बनाएंगे पकौड़े उतने ही टेस्टी बनेंगे। सभी मसाले आलू में मिक्स हो गए हैं और आलू भी बढ़िया तरह से मैश हो गए हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे फ्रेश हरा धनिया। तो इस तरह से आलू का सूखा मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब ब्रेड को कोट करने के लिए हम बेसन का घोल बनाएंगे। इसके लिए मैंने मिक्सिंग बाउल में लिया है 1 कप बेसन। इसमें डालेंगे जरा सा हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच नमक और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और सभी चीज़ों को मिलाते हुए इसका बैटर तैयार करेंगे। पानी एक साथ नहीं डालना है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिलाना है। ब्रेड पकौड़े के लिए हमें इतना थिक बैटर तैयार करना है। पकौड़े बनाने की सारी तैयारी हो गई है, अब हम पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली है सैंडविच ब्रेड। अब ब्रेड के ऊपर हम लगाएंगे चटनी। मेरे पास यहाँ पर रेड और ग्रीन दोनों चटनी अवेलेबल थी, इसलिए मैं दोनों यूज़ कर रही हूँ। आप इसमें से कोई भी चटनी लगा सकते हो। अब ब्रेड पर हम लगाएंगे आलू का मसाला। इसे चारों तरफ फैलाते हुए अच्छे से लगाना है। मसाला लग जाने के बाद इसे दूसरी ब्रेड से कवर कर देंगे और इसे इस तरह से कट कर लेंगे। अब जो बेसन का घोल हमने तैयार किया था उसमें ब्रेड को हम डिप करेंगे और ब्रेड पर घोल की अच्छी कोटिंग कर लेंगे। ब्रेड कोट हो जाने के बाद इसे डायरेक्ट ऑयल में डालकर फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था। अब इसी तरह से सारी ब्रेड्स को हम कोट करके ऑयल में डालकर फ्राई करेंगे। ऑयल में डालते समय एकदम सावधानी से इन्हें डालना है। पकौड़ों को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जब इसकी साइड्स थोड़ी ब्राउन होने लगे तब इन्हें पलट देंगे और दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। पकौड़े बढ़िया तरह से फ्राई होकर ब्राउन हो गए हैं, इन्हें हम ऑयल में से निकाल लेंगे। तो इस तरह से बनकर तैयार हो गए हमारे ब्रेड के पकौड़े। मैं इन्हें कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। आप इन्हें चाय के साथ नाश्ते में बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। ये घर में सभी को पसंद आएंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही टेस्टी रेसिपीज के लिए।